रोलिंग फ्रिक्शन, यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो है बेसिकली फ्रिक्शन ही की एक किस्म है जी, एक टाइप है। ये बात तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है एक ऐसी फोर्स का नाम है जो कि हमारे मोशन को रोकती है परफॉर्म होने से, यानी ड्यूरिंग मोशन भी और मोशन स्टार्ट होते वक्त भी वो जो है वो रिजिस्ट कर रही होती है, रोक रही होती है मोशन को, तो उसे हम एक नाम देते हैं जी फ्रिक्शन का। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि अगर फर्ज करें मैं एक बॉडी है जैसे कोई एक साइकिल है, अब साइकिल के ये टायर्स हैं अगर हम देखें तो ये इस तरह से जो है वो गोल घूम रहे होते हैं, ठीक है, वो गोल घूम रहे होते हैं, और एक हम ये कह सकते हैं कि जो इसके हर हर पार्टिकल्स का मोशन है इस तरह से वो एक सर्कुलर पाथ में है। अब ऐसा है कि अगर मैं जो है यहाँ पर एक जो साइकिल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है जी, मैं ये कहता हूँ कि ये साइकिल है, ठीक है, और एक पर्सन जो इस पर बैठा हुआ है चला रहा है साइकिल को, तो अब क्या होगा जी कि यहाँ पर पैडल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब पैडल्स जो है वो यहाँ पर कहीं पर लगे हुए हैं जी, और चेन जो है वो इस साइकिल को चला रही है। अब ऐसा है कि ये जो यहाँ पर जो पैडल लगे हुए हैं इसको मूव करा रहे हैं, तो अब ऐसा होगा कि जैसे जैसे ये साइकिल मूव करेगी तो हम ये देख रहे हैं कि एकदम यानी एक लम्हा तो ऐसा आएगा कि जब ये हम फोर्स लगाएंगे इस पे तो ये मूव नहीं करेगी, यानी उस वक्त जो हमने फ्रिक्शन पढ़ी थी हमने कहा था इसे स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम दिया था हमने, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब दूसरी बात ये कि जब हम कुछ और ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो फिर जस्ट साइकिल मूव होना शुरू लगता है, बस होने ही वाली है, यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे मैंने एफ जो है एस से जाहिर किया, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आती है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ जी, इसे हम क्या कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको मैं एफ एल से जाहिर कर देता हूँ। फिर इसके बाद यानी बॉडी जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है, साइकिल मूव अपनी जगह जो है चेंज करना शुरू कर देती है, तो हम ये कहेंगे कि इस टाइम भी एक फ्रिक्शन मौजूद होती है जिसे हमने कहा था कि ये कौन सी फ्रिक्शन है जी, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि मोशन के दौरान मौजूद होती है। अब चूंकि साइकिल जो है वो रोल कर रही है, गोल घूम रही है इस तरह से, तो इसके टायर और रोड के दरमियान जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन जो है इस टाइप की जो फ्रिक्शन होती है इसे हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। यानी जो चीज गोल रोल कर रही है दूसरी सरफेस के ऊपर, यानी फ्रिक्शन तो तभी होती है जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर रगड़ खाए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये वाली जो फ्रिक्शन है इसे हमने रोलिंग फ्रिक्शन कहा, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है, यानी अगर फर्ज करें इसकी निस्बत, यहाँ पर मैं एक टेबल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेबल ली, और चलें इस टेबल को मैं यहाँ पर बनाता हूँ जी, मुकम्मल करते हैं हम इसे। ये मैंने एक टेबल ली है और इसके ऊपर एक ब्लॉक को मैं रोल करना चाहता हूँ, तो ये इस वक्त ये रेस्ट की पोजिशन है, यानी इसका जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसे मैंने एफ एन से जाहिर किया था वो दोनों बैलेंस्ड है। अब एक अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई की जाती है नेट फोर्स, तो ये बॉडी मूव करना शुरू करती है, और उसको भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें भी फ्रिक्शन ये तीनों असरअंदाज होती है, स्टैटिक आती है, फिर मैक्सिमम जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा मैंने, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन इस पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है बनिस्बत के रोलिंग फ्रिक्शन पे, तो हमने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो चूंकि उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, यानी अगर टायर को देखें तो टायर का सिर्फ एक पॉइंट, जिसको मैं टेंजेंट भी कह सकता हूँ, कि या हम ये कह सकते हैं कि रोड और जो टायर है वो मिनिमम कुछ ही पॉइंट्स के, वो कुछ ही एरिया जो है टायर का वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, इसलिए अगर कभी हवा कम हो टायर में तो हम देखते हैं कि स्पीड हमारी साइकिल की कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो कांटेक्ट होता है हमारा हमारे उस टायर का वो जमीन के साथ बढ़ जाता है, जिससे हम एकदम से महसूस करते हैं कि वाकई इस दफा साइकिल पे हमें ज्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी और वो कम मूव कर रही है, तो ये बात फिर हमें इस तरह से समझ आती है कि वाकई जितना कांटेक्ट कम होता है सरफेस का दूसरी सरफेस पे उतनी फ्रिक्शन भी क्या होती है जी कम हो जाती है। अब इसी बात को मैं ऐसे इस तरह से ले लेता हूँ कि फर्ज करें अगर हम अपनी आम लाइफ में देखें कि हम रोलिंग फ्रिक्शन को कहाँ कहाँ पर जो है वो देख रहे होते हैं, जैसे एक तो टायर की एग्जाम्पल होगी, अब हम ये बात करते हैं कि टायर के अंदर जो इस तरह से एक्सल बना होता है, अगर हम एक्सल यानी जो जिसके अंदर जो है वो टायर इस तरह से गोल घूम रहा होता है जी एक्सल, अब एक्सल के अगर देखें तो उसमें भी एक बेयरिंग से बने होते हैं, यानी इस तरह से जो है इस तरह से गोल गोल से स्मॉल बॉल्स होते हैं वो, जो कि एक्सल उनके अंदर गोल घूम रहा होता है, और जब हम टायर यानी जब हम टायर को घुमाते हैं, ठीक है, यानी ये टायर का यहाँ पर सारा नट बोल्ट लगा होता है और ये साइकिल इस तरह से बनी हुई होती है, तो ये
हमारे पास जो बेरिंग्स वगैरह हैं ये भी हमारी वो हेल्प करते हैं कि जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कराते हैं, या फिर हम यूँ बात कर सकते हैं कि जिसका रोलिंग फ्रिक्शन ही के हवाले से कि ये जिस तरह से फर्ज करें कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसा गाड़ी ही की बात है, तो गाड़ी के नीचे जो टायर लगाए जाते हैं उसका यही मकसद होता है कि अगर ये टायर ना होते तो ये जो एक हैवी ऑब्जेक्ट को, हम ये कह सकते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को हम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते हैं तो फ्रिक्शन यानी हमारे उस लम्हे बहुत ज़्यादा हमें अप्लाई करनी पड़ती है अगर ये टायर ना होते। अगर हम टायर लगा दिए तो हमारी उस जो मसला है उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर दिया गया है इस टायर ने, और ये टायर चूंकि रोल करता है इसलिए इससे जो फ्रिक्शन ये फेस कर रहा होता है जो मोशन में ड्यूरिंग मोशन जो फोर्स इसे रोक रही होती है इसे हम कहते हैं ये रोलिंग फ्रिक्शन है।